उसको पहले नीचे से स्टार्ट करें फिर ऊपर ले जाए। और सॉरी दूसरी भी एक, हाँ जब भी शैम्पू यूज करें तभी ऑलवेज डाइल्यूट करके यूज करें, कभी भी अकेला शैम्पू यूज नहीं करना तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। अभी हम एक एक्ने की बात करते हैं। एक्ने के लिए हमारे पास जो चीजें होती है आप डॉक्टर के पास ले आते हैं एंटीबायोटिक तो आपकी ठीक हो जाती है। एक्ने क्यों होती है? क्योंकि आप कॉन्स्टिपेटेड होंगे तो इसके साथ आप आपके अंदर टॉक्सिन है, इसको किसी भी तरह बाहर आना है, इसलिए आपको एक्ने होती है। वो यंग एज में होती है। बहुत ही लोग हमारे पास ऐसे भी कस्टमर है कि 55 इयर्स में भी उसको एक्ने आती थी, कभी स्टॉप हुई कि जब भी उसने हमारे प्रोडक्ट्स यूज किए तो उसमें हर्ब्स होते हैं लेने के लिए। मैं एक्सट्रैक्ट यूज करती हूँ इसलिए आपको एक ही चम्मच चाहिए। जो आप हर्ब नहीं पी सकते तो हम कैप्सूल बना देते हैं। और आपके जो खड्डे पड़े होते हैं तो उसके लिए हमारा मास्क है, आपके खड्डे भी भर जाते हैं और आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। जो एक्ने के हिसाब से आपकी स्किन डल हो जाती है तो हमारा मसाज ऑयल है, जो ग्लो ऑयल, तो वो मसाज करने से आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा। कोई भी कर सकते हैं, आपको रिंकल्स नहीं चाहिए। बहुत ही लोग यूज करते हैं, एक बोतल नियरली साल चल जाती है। तो ये आपके स्किन में जब भी आप यूज करेंगे शाम को ही यूज करना, कभी भी दिन में यूज करके बाहर नहीं जाना, नहीं तो आपको पिगमेंटेशन होगा, इसलिए रात को ही करना। और आप स्ट्रेट अवे वॉश भी कर सकते हैं मसाज करके, 10 मिनट्स मसाज करना है और मसाज आप ऐसे करें तो आपकी स्किन भी टाइट होगी। ऐसे ले जाइए, इधर से ऐसे ले जाइए, ऐसे ले जाइए, ऊपर से ऐसे करें तो आपकी स्किन में काफी फर्क पड़ेगा। आपकी स्किन में ग्लो आएगा, छोटे छोटे रिंकल्स भी निकल जाएंगे और एक्ने के लिए पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अभी पिगमेंटेशन के लिए भी हमारे पास चीजें होती है और उसके लंबी ट्रीटमेंट होती है। पिगमेंटेशन कोई भी क्रीम से ठीक नहीं होती है, वो इंटरनली होता है। आपका हार्मोन बैलेंस करना जरूरी है और आपका लीवर फंक्शन नहीं करता है प्रॉपर, आपको इसलिए पिगमेंटेशन होती है। पिगमेंटेशन आपको जब भी प्रेगनेंसी में बच्चे होते हैं उसके बाद भी होती है, धूप से होती है, आपका हार्मोन बैलेंस नहीं है तो भी होती है। तो ये इंटरनली है, हमारा 7 लेयर्स होता है। तो आपको वो इंटरनली लेने से पहले 2 मंथ से लग तो पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हो रहा है। फिर आपके जो धब्बे पड़े हैं वो स्लोली स्लोली रिमूव होने लगेंगे। तो उसमें लीवर टॉनिक देते हैं, लीवर डिटॉक्स देते हैं, स्किन टॉनिक हमारी होती है। मैं पंकज नरम की टेबलेट्स करती हूँ और हमारे पास हमारी भी खुद की होती है। और इसके साथ आपकी स्किन में भी फर्क पड़ेगा और आपके टाइम लगेगा पर आपको आपके चेहरा एकदम एक कलर का हो जाते हैं। डार्क सर्कल के लिए भी ऐसे ही है। आपको डार्क सर्कल इसलिए होता है कि आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, इसलिए। तो डार्क सर्कल के लिए भी हमारे पास है, उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। अभी हम बात करते हैं अनवॉन्टेड हेयर के लिए। बहुत ही लोग को प्रॉब्लम होती है कि उसके बाल आते हैं। जिसको भी पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है उसको तो पूरी बॉडी में बाल होते हैं। तो ये हमारे जो साबुन होते हैं, हमारे एक सोप है उसका पेस्ट बना के लगाए, 3 to 4 मिनट्स में आपके बाल निकल जाते हैं। आपकी फिर ग्रोथ स्लो होती है और आपके बाल पतले पतले हो जाते हैं। एवरीडे आपको नहीं करना पड़ेगा, जब भी आपको लगे कि ग्रोथ आई है तभी करें। आपको जो परमानेंट हेयर रिमूव करना है तो इसका 6 मंथ का कोर्स होता है। हमारे पास एक हर्ब्स होते हैं, आपके घी में मिक्स करके आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में रब करना है एवरीडे 10 मिनट्स, 5 मिनट्स रख के फिर आप वॉश करें और कोई भी क्रीम लगा ले। तो आपको 4.5 मंथ्स में आपको पता चल जाएगा कि जब भी आप रब करते हैं हर्ब तो आपके बाल निकलने लगेंगे। वो ऐसे वर्क करते हैं कि आपको रूट्स को वीक कर देते हैं। तो ऐसे आपके 6 महीने प्रॉपर करेंगे
और उसके साथ हार्मोन बैलेंस की कैप्सूल भी होती है। तो 6 मंथ करेंगे प्रॉपर तो आपके कंप्लीटली आपका बाल वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो वीक कर देते हैं अंदर से। बहुत ही लोग यूज करते हैं, तो हेयर रिमूवल के लिए भी हमारे पास है, हाइट के लिए भी है, छह तमा महीने आंटी, कैन का। आई आस्क यू वन क्वेश्चन? श्योर श्योर या ओके, आपने अभी 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 बोला कि जो अनवांटेड हेयर होते हैं हैंड्स में, लेग्स में और ऑल ओवर बॉडी में, हाँ तो उसके लिए आपके जो मास्क वेरी यूजफुल है, उसके साथ आप हार्मोन टेबलेट्स लेते हैं। मगर जो अगर परमिनेंट, हाँ परमिनेंट करना है ने, उसको हार्मोन टेबलेट्स भी देते हैं साथ में। अगर कोई यंग गर्ल को वो करना है, हाँ नॉट लाइक माई एज, बट से माई डॉटर वॉन्ट्स टू डू इट, तो यस डस शी नीड टू हैव अ हार्मोन टेबलेट्स एज वेल? यस 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 ओके, थैंक इसे यू। इसे इस आयुर्वेदिक, देर इज नो केमिकल्स और एनीथिंग, इस आयुर्वेदिक टेबलेट। ओके, शी नीड्स सो अ टेबलेट, दैट्स यू नो। वेरी तो यूजफुल उसके फॉर या तो सो उसके बॉडी से भी बाल फेड अप होने लगेंगे, अच्छा। फेस वो पाँव में होते हैं, हाथों में होते हैं, क्योंकि अभी सबका खाना कब पता है ना, केमिकल्स वाले होते हैं और स्टीरोइड्स सब देते हैं, चिकन जो खाते हैं, तो इसलिए बहुत ही बाल लेडीज को होते हैं, और पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है उसको भी बहुत ही होते हैं। तो हाइट के लिए भी हमारे पास है, और 6 महीने का कोर्स होता है। ऐसे नहीं है कि आपने हर्ब्स ले लिया तो आपकी हाइट बढ़ गई, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ही जरूरी है, पुलअप्स एंड साइक्लिंग, नहीं तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। 6 महीने के बाद भी आपको जो करना है तो भी और भी कर सकते हैं, अप टू 20 इयर्स अच्छी तरह आपकी हाइट बढ़ेगी, उसमें पुलअप साइकिलिंग एंड आप तो स्विमिंग कर सके तो अच्छा है। अभी हम बात करते हैं सब थोड़ी बीमारियों की, बहुत ही इधर एक्जिमा, सोराइसिस, हाइव्स और बहुत ही बीमारियां होती है स्किन की। और हमारे पास एलोपैथिक में उसका कोई भी क्योर नहीं है, डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको पूरी लाइफ इसे रहना है, और जो आपको स्टीरोइड्स की क्रीम देते हैं दबाने के लिए, उसके आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है और आपकी स्किन पतली हो जाती है। तो हमारे जो हर्ब्स होते हैं, हम आपका ब्लड प्यूरिफाई करते हैं, आपके टॉक्सिन रिमूव के लिए और आपके लीवर के लिए। तो ये आपके लेने से आपको पता चलेगा स्लोली स्लोली कि आपके ठीक हो रहा है। टाइम लगता है, किसी को 6 महीना, 8 मंथ्स, ए ईयर, पर अब तक जिसने भी हमारी ली है, एक्जिमा, सोराइसिस, हाइव्स, कोई भी स्किन प्रॉब्लम, सबका ठीक हुआ है। डॉक्टर भी सरप्राइज हो गए हैं कि ये खुद कभी भी ठीक नहीं होता, ऑल द लाइफ आपको इसके साथ रहना है। पर आयुर्वेदिक में ऐसे नहीं है, आयुर्वेदिक में आपका रिवर्स हो सकता है। तो हमारे पास काफी कस्टमर है कि हमारे पास अब तक माइट भी 500 लोग खसी होंगे कि जिसका क्लियर हुआ है। तो एक्जिमा, सोराइसिस, हाइव्स, कोई भी स्किन प्रॉब्लम, बहुत ही लोग को प्राइवेट पार्ट में इची होती है, आपको छोटी छोटी फिंसियां निकलती है, वो सब के लिए वर्क करता है, एवरीबडी एवरीथिंग वर्क करता है वो। तो एक्जिमा, सोराइसिस के लिए भी हमारे है, और उसमें हम डाइट प्लान भी देखते हैं, जिसको भी एक्जिमा, कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, उसको गाय का मिल्क नहीं लेना है, और इसके आपको रेड मीट नहीं खाना है और एसिडिक चीजें नहीं खानी है। लोग छोटे बच्चे को लेके आते हैं और स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, तो उसके साथ बहुत ही इची होती है। आपको टेंजरीन है, आपको ऑरेंजेस है, वो कोई भी चीजें आपको नहीं खानी है। हम पूरा डाइट प्लान देते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आप फिश खाएंगे तो एकदम फ्लेयर अप होगा, और ऐसे बहुत ही सारी चीजें होते हैं कि आपको वो नहीं खानी है। थोड़े ही टाइम आप ठीक हो जाए तो सब खा सकते हैं, पर आपको जो हम बताए डाइट प्लान आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छी तरह वर्क होगा और आपके स्किन अच्छी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि आपको कभी भी एक्जिमा के क्राइसिस हुआ था। डायबिटीज के लिए भी हमारे पास बहुत ही अच्छी चीजें होती है,
और हमारे पास वो थी लोकीय कि जिसका रिवर्स भी हुआ है, नहीं तो मेडिकली तो वो बताते हैं कि कभी भी रिवर्स नहीं होता है, पर आयुर्वेदिक में सब चीजें पूरी लाइफ नहीं होती, आपकी रिवर्स हो सकती है। ऐसी कोई चीजें होती है कि लूपस है वो कभी भी ठीक नहीं होता, वो आपका थोड़ा मेंटेन करता है, ऐसे है। पर आपका डायबिटीज हमारे पास बहुत ही, हम डाइट प्लान भी देते हैं, आप कुछ नहीं करेंगे तो डायबिटीज से आपकी स्किन लगड़ जाती है, आपकी एज से आप बड़े लगने लगते हैं, आपको इसके साथ ब्लड प्रेशर होता है, आपको इसके साथ हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो डायबिटीज आपके पांव कट करने पड़ते हैं, आंखों की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज ठीक करना बहुत ही जरूरी है। हमारे पास डॉक्टर भी है कि जो हमारी डायबिटीज के हर्ब्स लेते हैं, तो डायबिटीज के बहुत ही फास्ट सेलिंग है हमारा, ब्लड प्रेशर के लिए भी और सबके साथ हमारे डाइट प्लान भी होते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए भी हमारे पास होती है। आपको हमारा जो घी होता है, ग्रास फेड वैदिक घी है, ऑर्गेनिक है, उसके साथ भी कोलेस्ट्रॉल आपका गुड बनता है और खराब कोलेस्ट्रॉल दूर करता है, और ब्लड प्रेशर में भी हम घी देते हैं साथ में, आपको लेना ले साथ में तो अच्छा होता है, और एक टेबलेट भी होती है। हमारा जो एक्सट्रैक्ट होता है वो एक डब्बा आपको 3 मंथ्स चल जाता है, और नहीं पी सकते तो हम कैप्सूल बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी मैंने बताया ना, जिसको कोलेस्ट्रॉल बनाई है, जिसके स्टेटिन्स बनाई है, वो भी नहीं लेता है, क्योंकि उसको पता है कि उसमें कितनी साइड इफेक्ट है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के लिए भी हमारे पास है, और आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आने लगेगा, और 3 मंथ्स के बाद आप चेक कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कंट्रोल में आने लगा है। आर्थराइटिस के लिए भी हमारे पास बहुत ही अच्छी चीजें होती है, आपको किसी के पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, जो पेन में रहते हैं वो पेन में नहीं रहेंगे, क्योर करने में टाइम लगता है, जो क्रोनिक डिजीज होती है वो टाइम लगता है ठीक होने में। आपको एटलीस्ट हम डाइट प्लान देते हैं, आपको कभी भी डॉक्टर ने नहीं बताया होगा कि आपको बनाना और एप्पल नहीं खाना है, जिसको भी आर्थराइटिस है बनाना और एप्पल ना खाना, और आपका जब ये खाना बनाए तो लो हीट पर बनाए, जो भी मीट खाते हैं तो रेड मीट नहीं खाना है, चिकन आप खाते हैं तो ग्रिल वाला क्या हुआ चिकन ना खाए, और मिल्क की बनी हुई मिठाई भी न ले, जैसे भी मिठाई खाएंगे तो आपको पेन होगा, थोड़ा सा आप एवरीथिंग कंट्रोल करेंगे तो आपके आर्थराइटिस में बहुत ही फर्क पड़ेगा। आर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन है आपके अंदर, हमारे पास अकेला इन्फ्लेमेशन का भी एक्सट्रैक्ट होते हैं, और इन्फ्लेमेशन से आपको दर्द होता है, आपका जो कार्टिलेज है वो घस गए है, आपको ऑपरेशन कराते हैं, कोई ऑलराइट होता है, कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। हमारे पास कस्टमर है कि एवरी डे वो एंटीबायोटिक लेती थी, उसका पांव पूरा ब्लैक हो गया था, हमारी दवाई से उसको ठीक हुआ। तो ये हमारा जो अरेबिक गूंद और हलवा होता है वो आपके कार्टिलेज रिपेयर करने लगते हैं, आप सीढ़ियां भी चढ़ सकेंगे, आप वॉक भी कर सकेंगे अच्छी तरह, उठ बैठ सकेंगे, आपका खुद का काम कर सकेंगे, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो आर्थराइटिस के हमने सब मिक्स कर लिया है कि आर्थराइटिस, इंफ्लेमेशन एंड कैल्शियम, आपको कैल्शियम की और विटामिन डी बहुत ही जरूरी होती है, आपकी एज के हिसाब से आपको वो एवरीडे लेना चाहिए, क्योंकि इधर हमको विटामिन डी नहीं मिलता, आपको खाने से उसमें से बहुत विटामिन नहीं मिलता है, इसलिए आपको विटामिन डी लेना बहुत ही जरूरी है, जिसको भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यू होते हैं उसके लिए जरूरी है। थायराइड के लिए हमारे पास अच्छी है, वो आपका बहुत लंबी ट्रीटमेंट नहीं होती है, 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 7 मंथ्स, सबका डिफरेंट होता है, आपका थायराइड नॉर्मल हो जाता है। दो तरह का थायराइड होता है, हाइपो और हाइपर। हाइपो में आपका वजन बढ़ता है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, और आपके बाल लाइफलेस हो जाते हैं, आपका मूड चेंज होता है, वजन बढ़ता है,
आपको ठंड लगती है और आपके जिसको हाइपो होता है उसको उसको पसीना आता है, उसका वेट लूज होता है, पसीना आ रहा है। तो हमारे पास वो दोनों के लिए सेम ही चीज देते हैं, पर आपकी थायरोक्सिन छोड़नी नहीं है। जब भी आप जाए डॉक्टर के पास तो वो आपके चेक करेंगे तो आपकी थायरोक्सिन जो लेते हैं वो आपके रिड्यूस करने लगेंगे, जो भी लेते हैं तो उसका डोज आपका रिड्यूस करेंगे और फिर वो आपको बताएंगे कि अभी नॉर्मल है। पर वो आपको बोलेंगे नहीं कि आप छोड़ दे, आपके जब भी नॉर्मल हो जाए तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है फ्रिज का, और आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, और ठंडा ठंडी चीजें नहीं लेनी है, तो फिर आपका नॉर्मल रहेगा। तो थायराइड के लिए बहुत लंबी ट्रीटमेंट नहीं होती है, पर हमारी एक चीज नहीं होती है, उसमें फ्यूज साथ में होती है। डिप्रेशन के लिए भी हमारे पास होती है गैस एंड एसिडिटी, 10 में से 8 लोग को प्रॉब्लम होती है गैस एंड एसिड की, तो उसके लिए भी बहुत लंबी ट्रीटमेंट नहीं है, 4 months 5 months डिपेंड्स के कैसे वर्क करती है। पर सबका जिसको भी प्रॉब्लम होती है कि पेट फूल जाता है, आपको एसिड होती है तो बर्निंग होती है, साथ में हम डाइट प्लान भी देते हैं, और सबका गैस और एसिड ठीक हुआ है, बहुत ही लोग ने लिया है और बहुत ही लोग को फायदा हुआ है। ऑटिज्म के लिए भी हमारे पास चीजें होती है, उसमें भी आपके माइंड में ब्लॉकेज होते हैं, उसमें भी बहुत ही चीजें हम पूरा पेज देते हैं कि आपको क्या करना है। वो लोग हाइपर होते हैं तो ये चीज से थोड़ा वो काम डाउन हो जाते हैं, वो लोग को क्या खाना देना है वो सब चीजें लिखी होती है, सब बताते हैं तो बहुत टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैं बताती नहीं हूँ। उसमें एक मैं चीज एक होम रेमेडीज बताती हूँ, जिसके भी बच्चे ऑटिज्म है के बड़े ऑटिज्म है, उसके लिए आपको 2-2 पिंच लेनी है इलायची, जायफल, मरी, जावित्री, तज, लविंग, दो सब के 2-2 पिंच लेके आपको एक चम्मच घी के अंदर मिक्स करके आपको वो लेनी है, तो आपको उसके साथ आपके जो माइंड में ब्लॉक है वो खुलने लगेगा। सॉरी प्लीज जो आपने जो बोला ना उसको थोड़ा स्लो से फिर से रिपीट करिए। स्लोली बोलो। ओके, उसमें जो लिखती लो लिखे तज, लविंग लविंग, इलायची, जायफल, जावित्री, और ये सब चीजें आपको पहले ग्राइंड कर ले, सब चीजें उसमें से आपको मिक्स करके आपको 2-2 पिंच लेनी है एवरी डे वैदिक घी के साथ। जो बटर घी है वो कुछ काम नहीं करता है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। हमारा जो घी है आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा वैदिक ग्रास फेड काउस घी, हमारा ऑर्गेनिक होता है, जो भी लेते हैं सबको पसंद है, तो एक ही आपको लेना है। तो उसके साथ आपके माइंड के ब्लॉकेज खुल जाएंगे, उसके साथ हम टेबलेट्स भी देते हैं माइंड के लिए, आपके मन की शक्ति बढ़ाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, और जो रात को वो बच्चे सो नहीं सकते ना उसके लिए आपको लाइट ऑफ कर देनी है, आपका टेलीफोन वाईफाई एवरीथिंग ऑफ कर दे, फिर आप देखे थोड़े दिन में कि कितना वो अच्छी तरह सोता है, और बहुत ही अच्छा काम करेगा। हम साथ में पूरा पेज देते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। सब बीमारियों का जड़ होता है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन इज अ टॉक्सिन, ओके, तो वो रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। आपको जो बड़ी एज में भी यंग दिखना है कि आपकी स्किन अच्छी रहे, आप बूढ़े न लगे, तो आपके एवरीडे इंटरनली एंड एक्सटर्नली आपको करना है, आप एवरीडे ऑयल मसाज करें, आप एवरीडे टॉक्सिन रिमूव करें आपकी बॉडी से, और आपको जो खाना खाते हैं वो आप हेल्दी ले तो आप खुद हेल्दी रहेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारा जो हर्ब्स होता है वो एक तरह का रसायन है, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और छोटे बच्चे भी ले सकते हैं हनी में मिक्स करके। और जिसको भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, जिसको बहुत ही तकलीफ होती है, उसके लिए हम वेट लॉस का देते हैं।
तो उसका पेट एकदम साफ होता है, आप बिलीव नहीं करें कि ये बड़ा कचरा आया किधर से। बहुत ही लोग को लीकी गट भी होता है कि आपका खाना इंटेस्टाइन में रहने के बदले वो बाहर आ जाते हैं, और ये हमारे ये सब फूलने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं हमारी बॉडी। तो हमारे पास उसके लिए भी बहुत ही अच्छी वेट लॉस के साथ ही कनेक्टेड है कि आपका एक है वो आपका उसका नाम है, इंग्लिश में हमने सब में संस्कृत नेम लिखा है, तो इसका नाम है स्लिम गट। तो आपके गट में गुड बैक्टीरिया बनते हैं, आपको ब्रश के बाद 3 टेबलेट ले लेनी है बस। फिर आपको जब भी चाय पीते हैं तभी आपको जो हमारे मल निकलते हैं उसका नाम है पुप आउट फैट। आपको एक ही तरफा जाना पड़ता है, कोई पता है कि जब भी बाथरूम जाते हैं तो 5 मिनट्स लगते हैं, 3 मिनट्स लगते हैं, किसी को बहुत ही टाइम लगता है कि आपका आपके सिस्टम क्लीन हो जाए। तो ये ऐसा है कि आप चाहेंगे तो 1 सेकंड में एवरीथिंग निकल जाता है, आपको 1 मिनट भी नहीं लगती है, और वो आपका मल निकालते हैं। और वो आपको चाय के साथ ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के साथ, और फिर आपको 1-2 घंटे में ही जाना पड़ेगा। और फिर तीसरी चीज है मेटाबॉलिज्म। हम बड़े होते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, इसलिए हम जो खाना खाते हैं वो प्रॉपर पचता नहीं है, वो उसका फैट बन जाती है। तो ये मेटाबॉलिज्म से आपको वो इजी है लेने में, आप जूस में डाल के ले सकते हैं, पानी में डाल के ले सकते हैं, आपको 10 o'clock के पहले लेना है। उसके साथ आपको ये 3 चीज के साथ आपको नींद भी अच्छी आती है रात को। तो ये इसके साथ मैं ऐसे नहीं कहती कि कुछ मिरेकल है कि आपका 1 वीक में लूज हो गया, ऐसे नहीं है, स्लोली स्लोली लूज होता है। मेरा वेट 3 मंथ्स में मैंने 5 kg लूज किया है। मैं ऑलवेज 62 थी, अभी मैं आज 56.4 हूँ। तो एवरी डे आप सेम टाइम आप वे करें तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा 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 पन कम हो रहा है। तो वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अभी हम बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी की, मेन और वुमन दोनों के लिए। जिसको भी पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, क्योंकि उसका पीरियड्स इरेगुलर होता है। आपका पीरियड जो इरेगुलर हो रेगुलर हो जाते हैं, हमारी दवाई से 1 महीने में 99% आपका पीरियड्स रेगुलर हो जाता है। पर जिसके भी ओवरी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है उसका नहीं होता है, उसके पहले प्रॉपर ओवरी डेवलप करनी पड़ती है। फिर आपके जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो भी आप प्रेग्नेंट होते हैं। हमारे पास बहुत ही कस्टमर है कि इधर से बहुत ही खुश होके जाते हैं। कोई लोग बताते हैं, कोई लोग उसकी फ्रेंड बताते हैं कि मेरे को भी वो ही चाहिए, पर हमको जानना पड़ता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। हम थोड़ा रिपोर्ट है तो अच्छा है, नहीं तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपका वी एग्स वीक है, कि आपके ट्यूब ब्लॉक है, कि आपके एग्स नहीं बनते हैं, एग्स छोटे हैं, एग्स मेच्योर नहीं होते हैं, आपको एंडोमोसिस है, आपको कोई भी आपको सीस्ट है, आपकी जो भी प्रॉब्लम बताए थे उस पर हमारी रेमेडी सब में डिफरेंट डिफरेंट होती है। हमारी जो पीरियड्स की 1 महीने में आ जाते हैं, प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। आपको जो पॉलीसिस्टिक ओवरी क्योर करनी है तो 8-9 मंथ्स लगते हैं। हमारे जो कस्टमर की एक कस्टमर ने बताया था कि डॉक्टर सरप्राइज हो गई, उसने बोला कि मिरेकल हुआ है। तो उसने बोला क्या हुआ, तो बोलती है कि आपके अभी पॉलीसिस्टिक ओवरी में सिस्ट है ही नहीं है आपकी ओवरी में। तो उसने बोला कि मिरेकल नहीं हुआ है, उसने हर्ब्स लिया है अबाउट 8 to 9 months, तभी उसकी कंप्लीट उसकी ठीक हो गई है। तो यह इनफर्टिलिटी की हमारी बहुत ही अच्छी काम करती है। और दूसरे मेन को क्या होता है कि उसके स्पर्म लो है, उसकी मोटिलिटी लो है, कि उसके स्पर्म के शेप लो है, कि उसके स्पर्म बहुत ही फास्ट मूव हो रहे हैं कि स्लो मूव हो रहे हैं। वो जो भी आपको डॉक्टर बताते हैं, आप मेरे को बताते हैं, तो उस पर हमारी रेमेडीज हम देते हैं। जिसके भी स्पर्म लो है वो दो तो वो रमान, फॉर सम रीजन योर वीडियो इज ऑफ, सो कैन यू प्रेस द वीडियो बटन एंड पुट द वीडियो ऑन प्लीज।
हेलो रमान जी, I think we have lost Ramanti today. I think she is having a lot of technical issues today. So, Rashmi, what do you suggest we do? Nope, you are unmuted, my lovely. You are on mute, Rashmi. Yeah, so I think everybody got the message, and we have already given the links for the people to see, and we are very thankful for everyone to be part of this show. And yeah, I think we got her back. There she is. I saw her. There she is. I just saw her. 1 minute. There she is. I'll just spotlight her. There. Okay. Okay. Now, you have not connected with the audio, Ramanti. Please, can I request everyone to stay muted? Please, I really urge you, all of you, to stay muted, please. Okay. Unmute yourself, Ramanti. You have not got, Ramanti, you haven't got audio sorted on your phone. Your phone is not connected with audio. Just call her personally on phone, maybe, or Rama Ben, can you hear us? Ramanti, you haven't connected with audio. You have not connected with audio. So you have to connect with audio. No, dial in nahi karo, do internet or data. Wait. Data or Wi-Fi. It plus zero is 8. Sorry, what is it?
Yes, હવે ઓરેટ છે. ઓરેટ છે. ઓકે. સોરી. આજે બધી કેસ નહીં થઈ છે. તો મેં બતા રહી હતી કે આપકે જિસકે ભી બોન્સ વીક હે, કોઈ બચ્ચે કે ભી બોન્સ વીક હોતે હૈ, તો ઓર જિસકો ભી આર્થરાઇટસ હે ઉસકે બોન્સ વીક હે, તો આપકો એક ગ્લાસ પાણી ગરમ કરના હૈ, ઉસમે એક ચમચ હલ્દી ડાલે ઓર ઉસમે એક ચમચ ગુડ ડાલે. જબ ભી વો આધા બાકી રહે તબી છાન કે ઉસમે એક ચમચ ઘી ડાલ કે, જિસે કે આપ ટી પીતે હે, ચાય પીતે હે, એસે પીએ, આપ 6 મહિને તલક કરે, આપકે બોન્સ બહુત હી અચ્છી તરહ હેલ્ધી હો જાયેંગે. તો એ આપકે બોન્સ ને, તો હમારે પાસ ટેબ્લેટ્સ ભી હોતી હૈ, પણ અભી બોન્સ કે લિયે હોમ રેમેડીઝ ભી અચ્છી હૈ. કોલાઇટિસ, ક્રોન એન્ડ આઈબીએસ, તીનો કે લિયે ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ ચીઝે હોતી હૈ. કિસી કો ડાયરિયા હોતે હૈ, કિસી કો કોન્સ્ટિપેશન, મ્યુકસ હોતે હૈ, ઉસકે સ્ટૂલ જૈસે કે પોરેજ જૈસે કે લૂઝ હોતે હૈ, ઓર બહુત હી ટાઈમ ડાયરિયા હોતે હૈ. તો ઉસકે લિયે હમારી રેમેડીઝ, ઇવન ઇંગ્લિશ પીપલ ભી મેરે કો બોલતે હૈ કે હમકો બહુત હી સાલો સે હૈ, જીતકો હમને તમારી હમારી દવાઈ સે ફર્ક પડા હૈ, વો કભી ભી નહીં પડા થા. તો કાફી ખુશ હૈ, હમારે પાસ એસે ભી કસ્ટમર હૈ કે કોલાઇટિસ કે કમ્પ્લીટલી વો ક્યોર હો ગયે હૈ. તો કોલાઇટિસ, ક્રોન એન્ડ આઈબીએસ તીનો કે લિયે હમારે પાસ રેમેડીઝ હોતી હૈ. ઉસમે ભી આપકો ગાય કા મિલ્ક નહીં લેના હૈ, આપકો કોઈ ભી સિરિયલ નહીં ખાને હૈ, ઓર મીટ તો આપકો પતા હૈ, ઇસકે સાથ આપ ખીચડી, એવરી ડે ખીચડી ઓર બહુત હી સારા ઘી ડાલ કે ખાયે, આપકો બહુત હી ફાયદા હોગા. આપ સુભા શ્રીખંડ ખાયે, એક બડા ચમચ શ્રીખંડ ખાયે, થોડી કમ શુગર ડાલ કે. આપકો યોગર્ટ નહીં ખાના હૈ, પણ આપ છાશ પી સકતે હૈ, ઉસમે 3 ગુણા પાણી ડાલ કે, ઉસમે થોડા પપી સીડ ડાલે ઓર જીરા ડાલ કે આપ પી સકતે હૈ. તો એસે હમારી મેને બતા ને, હમ દેતે હૈ સાથ મેં પેપર દેતે હૈ કે આપકો ક્યા કરના હૈ ક્યા નહીં કરના હૈ. ઓર આપ ફ્રૂટ, કોઈ ભી ફ્રૂટ ખાયે તો છિલકા ઉતાર કે ખાના હૈ. તો કોલાઇટિસ કે લિયે આપ ઓર આઈબીએસ ઓર ક્રોન કે લિયે આપ એસે ટ્રાય કરેંગે તો આપકો બહુત હી ફાયદા હોગા, જિસકો ભી હૈ ઉસકો ફાયદા હોગા. ટિનિટિસ કે લિયે ભી હમારે પાસે, આપકો જો કાનો મેં આવાજ આતી હૈ વો આપકે બ્રેઇન સે આતી હૈ, તો ઇસકે લિયે ભી હમારે પાસ હોતી હૈ. 4 મંથ્સ 3 મંથ્સ 5 મંથ્સ સબકા ડિફરન્ટ વર્ક કરતા હૈ. માઇગ્રેન ઓર એપિલેપ્સી ઉસકે લિયે ભી હમારે પાસ રેમેડીઝ હોતી હૈ, ઓર હમારે પાસ ફ્યુ કસ્ટમર્સ ભી હૈ કે કાફી ખુશ હૈ. જિસકો ભી એપિલેપ્સી હૈ, બહુત હી લોગ કો જિસકો ઓટિઝમ હોતા હૈ ઉસકો એપિલેપ્સી ભી હોતી હૈ. તો એપિલેપ્સી કે લિયે હમારે પાસ એક ઓઇલ હોતા હૈ કે જો હમ ડાયાબિટીઝ મેં ભી દેતે હૈ. તો વો આપ જબી ભી એપિલેપ્સી આયે તો 2-2 ડ્રોપ્સ ડાલેંગે, સ્ટ્રેટ અવે વો જાગ જાયેંગે ઓર ઉસકો અનકોન્શિયસ નહીં રહેંગે. તો એ ઓર જો હર્બ્સ હૈ વો લેને સે આપકી એપિલેપ્સી સ્લોલી સ્લોલી કમ કમ હોને લગેગી ઓર ફિર આપ સ્ટોપ હો જાતી હૈ. જો આપકી આપ કંટ્રોલ કરતે હૈ ઇંગ્લિશ મેડિસિન સે, ઇસમે બહુત હી સારી સાઇડ ઇફેક્ટ હોતી હૈ. લિકોરિયા કે લિયે ભી હમારે પાસે, બહુત હી લોગ કો ડિસ્ચાર્જ હોતા હૈ ઉસકે લિયે 3 મંથ્સ કા હી કોર્સ હોતા હૈ, તો આપકે 3 મંથ્સ મેં ઠીક હો જાતા હૈ. બહુત હી લડકિયા હોતી હૈ ઓર વુમન ભી હોતી હૈ બડી કે જિસકી બ્રેસ્ટ લબડ ગઈ હૈ કે જિસકી પ્રોપર ડેવલપ નહીં હોઈ હૈ, ઉસકા ભી 3 મંથ્સ કા હી કોર્સ હૈ. ઉસમે બહુત ચીઝે નહીં હોતી હૈ, એક કેપ્સ્યુલ હોતી હૈ ઓર એક મસાજ ઓઇલ હોતા હૈ. આપકો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મસાજ કરના હૈ ઓર અપવર્ડ્સ મસાજ કરના હૈ ઓર 2 કેપ્સ્યુલ દિન મેં 2 વાર લેની હૈ. ઓર આપકો 1 મહિને મેં પતા ચલેગા, પણ 3 મંથ્સ 90 ડેઝ કી સાઇકલ હોતી હૈ. 3 મંથ્સ કરેંગે પ્રોપર તો ફિર આપકો વાપસ આપકો નહીં વો છોટી ભી નહીં હો જાયેગી ઓર લબડ ભી નહીં જાયેગી. તો એ ઇસકે લિયે ભી હમારે પાસ રેમેડીઝ હોતી હૈ. પાઇલ્સ કે લિયે ભી હમારે પાસ રેમેડીઝ હૈ, બહુત હી લોગ કો પાઇલ્સ કે સાઇડ ભી હોતા હૈ. સોરી, આપકો કુછ બાત કરની હૈ? તો પાઇલ્સ કે લિયે દેતે હૈ ઓર અચ્છી. વોન્ટ ટુ આસ્ક અ ક્વેશ્ચન બીકોઝ તમે બોન્સ નું કીધું. Sorry, we will ask you, we will let you ask a question in little while, so please hold on a second. Nahi mere ko give you a, we will give you time to ask questions. Nahi okay, Ramanti, you can finish your topic. Tell your Ramanti.
की बात कर रही है? हेलो, आप किसकी बात कर रही है? नो रमानती, प्लीज कैरी ऑन. समवन वांटेड टू आस्क क्वेश्चन, ओके, बट वी विल टेक द क्वेश्चन एट द एंड. तो पाइल्स के साथ फिशेस भी होता है, उसके लिए भी है. फिस्टुला बहुत कस्टमर नहीं होते हैं, पर हमारे पास एक फिस्टुला का कस्टमर है, कंप्लीट उसको ठीक हो गया है. कंप्लीट थोड़ा टाइम लगा, पर उसको कंप्लीट ठीक हो गया है. तो फिस्टुला के लिए भी हमारे पास रेमेडीज होती है. किडनी, वो भी हमारा मेन ऑर्गन होता है जो बोथ साइड्स होती है. आपके किडनी 5 स्टेजेस होते हैं. हमारे पास लोग आते हैं जब वो स्टेज 3 पर होते हैं कि 4 पर होते हैं तभी आते हैं. कोई लोग तो 5 पर आ जाते हैं तभी आते हैं. तो आपकी किडनी ठीक रखना बहुत ही जरूरी है. आप जब भी डायलिसिस के लिए जाएंगे तो पूरी लाइफ आपको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है. हमारे पास किडनी के लिए हमारे पास डॉक्टर भी है कि जो हमारी किडनी की ले रहे हैं. और बहुत ही सारे कस्टमर है किडनी के. इसके साथ डाइट प्लान भी हम देते हैं, क्योंकि आपके उसमें आपका यूरिया अप हो जाता है. तो इसके लिए भी हमारे पास है कि आपका यूरिया कम होए. उसके लिए एक रेमेडीज भी देती हूँ. जिसको किडनी की प्रॉब्लम है और आपके यूरिया हाई हो जाते हैं, तो आपको उसमें सेलरी, क्यूक्यूम्बर और बीट रूट, आपको उसका जूस एवरी डे पिए. उसके साथ आपके यूरिया कम हो गए. और उसके हमारे पास इसके साथ हर्ब्स भी होते हैं कि आपका यूरिया कम होए तो आपकी किडनी वर्क करने लगे. नहीं तो हमारी रेमेडीज से सबकी किडनी अप जाती है. और वो लंबी ट्रीटमेंट होती है, काफी लंबी होती है कि जब आपकी किडनी आपको चाहिए कि 70-80 तक आ जाए तो वो लंबी ट्रीटमेंट है. पर आपको डायलिसिस के लिए नहीं जाना पड़ेगा. उसमें हम साथ में डाइट प्लान भी देते हैं. जिसको भी किडनी की प्रॉब्लम है, आपका खाना बनाए तो पोटेशियम वेजिटेबल्स आप सोक कर दे 5-6 आवर्स, तो उसमें से पोटेशियम निकल जाता है. और आपको दालें कम करनी है, जो मीट खाते हैं वो मीट ना खाए, तो आपके प्रोटीन थोड़ा कम करे. और इसके लिए बहुत ही लोग को बहुत ही प्रोटीन बनता है, तो किसी की किडनी से प्रोटीन लूज भी होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास है. आपकी किडनी स्टोन है तो वो आपको 8-10 डेज में वो छोटे छोटे निकल के आपके यूरिन से निकल जाते हैं. तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपके वो ब्रेक होके निकल जाते हैं. तो उसके लिए भी हमारे पास है किडनी स्टोन के लिए. पर कोई ऐसे भी कस्टमर है कि जिसका बनते ही जाते हैं स्टोन ऑल द टाइम, तो उसको ऑल द टाइम वो लेते हैं. गोल्ड स्टोन के लिए भी हमारे पास है. गोल्ड ब्लैडर में स्टोन होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास है. वो आपके आइदर स्टूल से, नहीं तो आपको उल्टियाँ होती है उससे निकल जाते हैं. इधर आपको तो डॉक्टर स्ट्रेट अवे बताएगा कि आपका गोल्ड ब्लैडर निकाल देना है. आप गोल्ड ब्लैडर निकाल देंगे तो फिर आपको बहुत ही डाइजेशन में तकलीफ होती है. इसलिए आपको गोल्ड ब्लैडर निकालने की, आपका एक ऑर्गन निकालने की जरूरत नहीं है. जैसे कि मैंने बताया है कि आपके लेडीज को प्रॉब्लम होती है, बहुत ही लेडीज को हेवी पीरियड्स होते हैं, तो डॉक्टर उसकी ओवरी निकालते हैं. वो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको 15 दिन में हमारी हेवी पीरियड्स की आपके 15 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं. और आपकी नेक्स्ट साइकिल प्रॉपर होगी 4 डेज, और फिर आप स्ट्रेट अवे आपके फाइब्रोसिस ठीक करें, वो डिसॉल्व करना जरूरी है. तो फिर आपके हेवी पीरियड्स नहीं होंगे. क्योंकि हेवी पीरियड्स से क्या होता है कि आपको एनीमिक हो जाते हैं, आपके ब्लड बहुत ही लूज होता है. इसलिए वो हेवी पीरियड्स भी आपका ठीक करना जरूरी होता है. लीवर हमारा मेन ऑर्गन होता है. आपकी फर्स्ट साइन है लीवर, आपको फैटी लीवर है, तो आपको वो फर्स्ट साइन है. आप ट्रीट नहीं करेंगे तो लीवर सिरोसिस होगा, उसमें से लीवर कैंसर होता है. तो लीवर आपका ठीक करना बहुत ही जरूरी है. हमारा सेकंड मेन ऑर्गन होता है लीवर. ब्रेन के बाद आता है लीवर. तो वो हमारे पास बहुत ही अच्छी लीवर टॉनिक है. हमारे पास ऐसे भी कस्टमर है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी लीवर टॉनिक लेते हैं. और आपके जो, कैन वी टेक सम क्वेश्चंस नाउ? मेरा नंबर दो. ओके, नो 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 नो, पीपल हैव आस्क्ड सम क्वेश्चन. सवाल जवाब करेंगे हम, सवाल जवाब लेंगे. हां, अभी सवाल. ओके फाइन. ओके, और एक
बता दो, बहुत ही लोग को प्रॉब्लम होती है, पता है विटिलिगो की, ड्रग्स, अस्थमा, वो अबाउट 80-90% लोग मेरे पास आए थे आज, तो उसको 80% फर्क था, किसी ने फोन करके बताया था 90% फर्क है, तो वो सब के लिए हमारे पास होती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आयुर्वेदिक में हमारे पास उसके लिए कुछ ना कुछ होता है, जिसको ड्रिंक ड्रग्स और सिगरेट छोड़नी है के गुट का मुंह में डालते हैं, वो उसके लिए एक ही महीने का कोर्स होता है और आपके वो आपको जरूर फायदा होगा। अभी आप मेरे को कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू। कोई ने पूछा है कि आपने अभी आर्थराइटिस की रेमेडीज बताई थी, नहीं आप सामने आके मेरे को पूछे ने प्लीज। अच्छा ओके, मैं पारुली हूँ। आपने मुझे बताया था, आपने अभी बताया था थोड़े टाइम पहले कि आपके पास आर्थराइटिस की रेमेडी है। आर्थराइटिस की, हाँ, तो आप स्लोली उसका नाम बताइए कि कैसे करनी है वो रेमेडी। जो बोन्स के लिए, वो बोन्स के लिए, यस हाँ हाँ, आपको एक एक ग्लास पानी लेना है, गरम करना है उसमें आपको, नहीं एक ग्लास के एक मग, आप जो चाय पीते हैं ना वो भी चलता है, तो वो पानी आप गरम करें, उसमें हल्दी डालनी है। आप लोग इधर की हल्दी यूज करते हैं, हमारे पास मूला हल्दी होती है, बहुत ही अच्छी हल्दी है, वो आर्थराइटिस में बहुत ही काम आती है। मैं मेरे बनाती हूँ ना चीजें, उसमें वो यूज करती हूँ, तो वो मूला हल्दी है, बहुत ही अच्छी होती है। तो एक चम्मच हल्दी डाले और उसमें एक चम्मच गुड़ डाले। अच्छा, और एक चम्मच क्या डाले? हल्दी और जेगरी, गुड़, ब्राउन गुड़ होता है ना, पता है ना गुड़ क्या है, वो डालना है। और जब भी वो गरम हो के आधा बाकी रहे तो वो छान के उसमें एक चम्मच घी डाले और आप स्लोली स्लोली पिए, 6 महीने प्रॉपर करें तो आपके बोन्स बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। 6 मंथ्स करना है एवरी डे। ओके, so whoever asked this question, I'm going to repeat this. One glass of or one mug of hot water, put a spoonful of haldi. उसकी समझ नहीं आ रही है, वापस बताए। हाँ, एक मिनट ब्रह्मांती, आपने जो रेमेडी बताई ना वो मैं इंग्लिश में बता रही हूँ सबको। कई चीज का, one second, I'll come back to you in 1 minute. I'll come back to you in 1 minute, ब्रह्मांती. Ramanti, I am repeating what you have said in English for everybody. Everybody can understand the remedy what you have said for arthritis. I'm going to say it in English. Okay? सबको समझ आई कि नहीं आई? One second. Okay. Thank you. 1 cup hot water. Put a spoonful of haldi powder. Put some gur or jaggery. Boil them until it becomes in half, and then put one spoon of ghee. मेरे को कुछ समझ नहीं आता, आप जो आगे, one spoon of ghee and then try and eat that once every day. Okay. जी. Another question I have is, do you have any treatment for alopecia? Anything for alopecia? Yes, that's right. Yeah. Oh, very good. जो पेचिस होते हैं ने, तो about दो तीन वीक में ये बाल आने लगते हैं। पर जो पूरा completely वो खत्म हो गया है, तो time लगेगा। पर नहीं तो most लोग को पेचिस होते हैं, तो वो about 3-4 weeks के, 2 week के 3 week में भी आने लगते हैं बाल। हमारे पास उसके लिए बहुत ही अच्छा लेप बना है, एक पाउडर होता है और एक ऑयल हम देते हैं, ब्लैक सेसमी सीड ऑयल, उसमें डाल के आपको रब करना है। और जिसको भी एलोपेशिया है, आपको एटलीस्ट 7 times शेव करना है, उधर आपकी डेड स्किन निकालनी जरूरी है। और फिर ये आप लेप लगाएंगे ना, और एलोपेशिया का ऑयल होता है मसाज करने के लिए, तो बाल आ जाते हैं, बहुत ही लोग का आ जाते हैं। Okay. Hello, Auntie, can I interrupt, please? Mera naam Priya hai. Sorry? Hello. Hi, mera naam Priya hai. Hello, okay, Priya?
I wanted to ask, मेरे my hair it's falling out quite a lot. तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? Sorry, आपको नहीं, मेरे को slowly बताएं आपको क्या है, मेरी आपकी बात समझ नहीं आई, किसके लिए क्या कर सकती? One second, Priya, let me explain to Ramanti. Ramanti, Priya is asking, Priya वो आपको पूछ रही है कि उसके सर के बाल बहुत जल रहे हैं, उसके लिए क्या कर सकते? आप बोलते हैं कि सब बाल झड़ गए हैं? नहीं, सब नहीं, लेकिन बहुत जलते, a lot, बहुत निकलते हैं मेरे बाल. आप आगे आके बोल सकते हैं तो मेरे को समझ आएगी. मैं वो चीज बोल रही हूँ. आंटी, my hair is falling out a lot. Okay. तो उसके लिए है, पहले ही बताया कि जिसके भी बाल गिरते हैं, चार दिन में आपको फर्क नजर आएगा, वो कम हो जाएगा चार दिन में. जो आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, ना आए तो आप मेरे को बताना कि मेरा बाल कम नहीं हुआ है गिरना. चार दिन में आपके कम होंगे, फिर आपको एक महीना प्रॉपर करेंगे ना तो आपका हार्डली फ्यू हेयर गिरेंगे. फिर आपको ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए भी है, पर वो 15 दिन के बाद यूज करना है. और हमारे पास केश रक्षक टेबलेट भी है जो इंटरनली सप्लीमेंट होती है, बहुत ही अच्छी है. और हमारा शैम्पू भी बहुत ही अच्छा है, वो प्योर होता है शैम्पू, आपको डाइल्यूट करके करें. और हमारा ऑयल ग्रीसी नहीं होता, जो भी आप ग्रीसी ऑयल यूज करें ना तो और भी बाल निकलते हैं. और जब भी ऑयल डाले तो 2.5 आवर इनफ है, नहीं तो ओवरनाइट, 2.5 to 3 hours, नहीं तो ओवरनाइट. पूरा दिन के पूरी जो 24 आवर्स रखने की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं. और जब ये पोल्यूशन और डस्ट से ग्रीसी होते हैं तो और भी बाल गिरेंगे. और सबको लगता है कि एवरीडे वॉश करना अच्छा नहीं है, पर आप एवरीडे जो ऑयल करके एवरीडे वॉश करें वो बेस्ट है, तो आपका एक भी बाल नहीं गिरेंगे. अच्छा, ओके सर. आंटी, हाउ डू आई मैं हाउ डू आई कांटेक्ट यू टू बाय दिस? प्रिया, आई हैव जस्ट पुट इट ऑन द चैट, मेरा टेलीफोन नंबर, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन. ओके, थैंक यू. आई हैव जस्ट पुट ऑल द इंफॉर्मेशन. थैंक यू आंटी. मैं आपको मेरा टेलीफोन नंबर देती हूँ, सब को लिख ले. मेरा मोबाइल नंबर है 07-88-60-33-929. और मैं क्लिनिक में 10 till 4 होती हूँ, हमारी कंसल्टेशन फ्री है. पर हमारे जो हम पल्स रीडिंग करते हैं वेदा पल्स मशीन से, कि जे आपका 12 ऑर्गन्स बताते हैं कि क्या आपका ऑर्गन ठीक है क्या नहीं है, वो उसका हम चार्ज करते हैं. नहीं तो हमारी कंसल्टेशन फ्री है. और आप मोबाइल में कोई भी टाइम फोन कर सकते हैं और मैं आपको रिटर्न जरूर करूँ. अच्छा, थैंक यू. समवन हैज आस्क्ड कि उसको क्रैम्प्स बहुत होते हैं, उसके लिए कोई रेमेडीज है? नहीं समझ आई. क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प्स. क्रैम्प्स के लिए आपके लिए आपके पास कोई रेमेडी है? किसके लिए? क्रैम्प्स, क्रैम्प्स. पेस के लिए? नो, उसको क्रैम्प होते हैं, पैर में होते हैं, सब कभी कभी पेट में होते हैं, जो जो क्रैम्प आते हैं ना वो सब, समटाइम्स पीरियड के टाइम पे क्रैम्प्स आते हैं और समटाइम्स उसके पैर में क्रैम्प्स आते हैं. मेरे को समझ नहीं, मेरे सामने आके बताइए ना प्लीज. नेवर माइंड. अच्छा, ओके, वी विल मूव. रूमेटोइड आर्थराइटिस के लिए आपके पास कोई मेडिसिन है? रूमेटोइड आर्थराइटिस के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, साइकिटा, सब के लिए सेम ही हमने बनाया है, वो सेम सब में काम करता है. हमारे पास है कस्टमर साइकिटा का, 2 साल में उसका कंप्लीट ठीक हो गया, कंप्लीट. वो ओवरसीज से मंगाते थे और उसको 2 साल उसने प्रॉपर किया. वो इधर आए ने तो हमारे पास आए थे और बहुत ही उसके खुश है कि उसको अभी कोई भी पेन नहीं होता है, शूटिंग पेन के उसको बैक पेन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है. वो आर्थराइटिस के, कोई भी आर्थराइटिस है आपको, सबके लिए है. ओके, ओके, ओके. सो
थैंक यू वेरी मच. आई थिंक सबको everybody's got lot of good information. We have given everybody your telephone number, your website. Please, I have put down all the details about Rama Aunty on the chat. So please note that down on from the chat, and then you can contact Rama Aunty for any of your any problems. She has listed so many problems that she can cure. So please do get in touch with Rama Aunty if you have any problem. And from Inspiring Indian Women, I thank you, Rama Ventande, for such a lovely session. Oh, sorry. Thank you very much. And thank you very much. आप कितना patience रखा है पता है. मैं कल ही मेरा computer का कुछ कर लूंगी. सांझ तलक 5 o'clock तलक proper था ने पता नहीं क्या हो गया. I'm so sorry. No problem. Technology always something happens with the technology. Can you please repeat the phone number? Phone number again. Hello. I will give you a phone number again. मेरा क्लिनिक का नंबर है 0161-766-2700. पर मैं ट्यूसडे टू सैटरडे होती हूँ 10 से 4 बजे तक. मेरा मोबाइल में कोई भी टाइम फोन कर सकते हैं 0788-60-33-929. Thank you very much. Thank you. Please, you can read the chat before we end the session, so you can get all the information. I have just put down the website, all the telephone numbers. So please note down all the numbers. Thank you very much, and thank you, Rama Ben. Thank you very much. And thank you, Rashmi Ben, for giving me a chance. Thank you, really, Parujani, for doing so well and wonderfully well as a host and making Rama Ben understand the technical issues and all. You were very nice, Rama Ben, and we just love you. We want to hear you more and more, and wish you all the best for your business, Ayurvedic Nature Cure. And thank you to all those who were here and do listen to you. You must be very, very popular, much in demand. We had so many people here to listen to you. And the entire link will be uploaded on YouTube tomorrow. So do watch the page, IIW page, where you can see the link. And also Rama Ben will be given the link to share around. And tomorrow, what we have is at 7 p.m. UK time, we have a woman entrepreneur called Bhumika Goswami with her Kachi items, you know, the Kach, the Rajasthani, those handmade things from Rajasthan and Gujarat. Mm-hmm. She will be here, and the host for tomorrow is our very own Manjulika from Scotland, and she's an RJ from FM Radio Scotland. Thank you, everybody, once again. Take care and see you all tomorrow again. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. This is Inspiring Indian Women signing off. Namaste to everybody, and Rama Ben and Parul Ben. Thank you so much. Thank you. Thank you. Same link tomorrow. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Same time. Same link, but same time? Yeah, same time, 7 p.m. UK. Thank you. Thank you. Bye. How can I join the Inspiring Women? WhatsApp groups. Contact Rama Ben, and we will add you in WhatsApp groups. And we have a Facebook group, Inspiring Indian Women. You can join there as well if you have a Facebook account. Otherwise, join our WhatsApp group. Yeah, okay. Thank you. Rama Ben will connect. Facebook account. Which one is the Facebook account? If you have a Facebook, then you can just type IIW, Inspiring Indian Women Global. You will get the group. Thank you, Rashmi Ben. Thank you. And for WhatsApp, what is the... WhatsApp, connect with me. I'll write my phone number here. 074406. Hold on. 007... Sorry, you have to go a bit slow. 0744. Okay. Yeah. 063. 063. 5511.
Thank you. Can I repeat? 07-44-06-3-55-11. Yeah. Thank you very much. Thank you so much. I am ending now. Thank you, Ramya, Saroj. Thank you, everybody. So nice to see everyone. Thank you. Bye-bye. The family here. Bye. Bye.